फ्रेंड, स्वागत है आपका इंडियन कुजीन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी गोभी मंचूरियन की रेसिपी। बनाने में ये बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो गोभी मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है एक गोभी का फूल और उसके फूलों को मैंने अलग कर लिया है। आप इन्हें चाकू के साथ भी काट सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा या छोटा छोटा नहीं काटना है। तो इस तरीके से मैंने इन्हें काट कर ले लिया है। और एक शिमला मिर्च और एक प्याज को मैंने डाइस्ड में काट लिया है, यानी कि चौकोर। और यहाँ पे हम गोभी को ब्लांच करेंगे, तो उसके लिए मैंने पानी को बॉइल कर लिया है। एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और नमक डालने के बाद में 2 चम्मच हम इसमें विनेगर डालेंगे। अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें हम गोभी को डाल के 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे बॉइल कर लेंगे। तो ये बॉइल हो रही है, तब तक हम इसका बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1/2 कटोरी मैदा लिया है, और तो उसके लिए हम 1/2 कटोरी से कम कॉर्नफ्लोर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, और उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आप स्वाद अनुसार लें। और उसके बाद में लाल मिर्च का पाउडर, अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हो तो 2 से 3 चम्मच डालें। और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो इसमें मैं डाल दूंगी। और उसके बाद में पानी डाल के हम इसका एक घोल बना लेंगे। तो बहुत गाढ़ा या बहुत ही पतला घोल हमें नहीं बनाना है, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बिना कोई लम्स के एक स्मूथ घोल हमें बना करके इसका तैयार करना है। तो एक साथ सारा पानी हम नहीं डालेंगे इसमें। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम अच्छे से चलाते हुए एक स्मूथ बैटर बना करके रेडी कर लेना है। तो आप देख सकते हैं घोल हमारा बन के तैयार है। तो कलर के लिए अभी मैंने यहाँ पे बीट रूट को कद्दूकस करके लिया था और उसका रस निकाल लिया है। यहाँ पे मैं उसे 2 से 3 चम्मच यूज कर रही हूँ। तो इसे बहुत ही अच्छा हमारी गोभी मंचूरियन को कलर आएगा। जब आप रेस्टोरेंट में खाते हैं तो वो लोग फूड कलर यूज़ करते हैं, जो कि बच्चों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। बच्चों को बहुत बार फूड कलर से एलर्जी होती है, तो जब आप घर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो वो बहुत ही सेफ हो जाती है बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी हमें ऐसी चाहिए, और कलर बहुत ही परफेक्ट आया है इसको। तो गोभी हमारी अच्छे से ब्लांच हो चुकी है, इसको एक छन्नी में हम निकाल लेंगे और ठंडे पानी से एक बार हम इसे धो लेंगे। तो गोभी हमने धो करके ले ली है। आप इसे फ्रिज के पानी से या फिर नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं, बस एक बार हमें इसे पानी से धो करके लेना है। और अब हम इसमें बैटर में इस तरीके से गोभी को डुबो के रख देंगे। हम इन्हें पूरा ही बैटर में कवर करके फिर फ्राई करेंगे, ताकि हमारी गोभी काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और हमें इसे 2 बार फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा ही बैटर में कवर कर लिया है। और जब हम गोभी डालेंगे तो हमारा ऑयल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए, हम इसे मीडियम या लो फ्लेम पे नहीं रखेंगे। तो थोड़ी जब तक ये अच्छे से एक साइड से हम सिक नहीं जाएगा तब तक हम इसे पलटेंगे नहीं। तो ये एक तरफ से काफ़ी अच्छे से सिक चुका है, तो भी मैं दोनों साइड से पलटते हुए सेक लूँगी। और 1.5 से 2 मिनट में ये काफ़ी अच्छी क्रिस्पी हो जाती है। तो गोभी हमारी अच्छी क्रिस्प हो चुकी है, तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी। एक फूड पेपर पे मैं सारी ही गोभी को निकाल लेती हूँ। बाकी की गोभी भी मैं डाल करके इसी तरीके से इन्हें फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपकी गोभी क्रिस्पी नहीं हो पाई है तो आप इसे दोबारा भी फ्राई कर सकते हैं। तो अभी बाकी की गोभी मैं डाल देती हूँ। गोभी डालने के बाद में तुरंत ही हमें इसे कलछी से चलाना नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए हम इन्हें लगभग 1/2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो कोटिंग है वो अच्छे से सिक जाए और गोभी को चिपक जाए। सारी ही गोभी हम अभी इस वक्त सिक करके ले लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छा गर्म है, वो भी हमारी अच्छे से सिक करके तैयार हो रही है। बहुत ही घर में ये झटपट रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है गोभी को, और कोई बिना फूड कलर यूज़ किए हुए। तो अभी गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो हम बना लेंगे यहाँ पे गोभी के लिए मंचूरियन। तो 1.5 चम्मच के लगभग
मैंने ऑयल डाल लिया है और बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन इंडो चाइनीज रेसिपीज में बहुत ही अच्छा लगता है, पर इसे हम पिंक या ब्राउन नहीं करने वाले हैं। जस्ट डाल करके हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ही इन्हें सोटे करेंगे और बाकी की सब्जियों को भी डाल देंगे। इन्हें हमें पकाना नहीं है बिल्कुल भी। दो छोटी हरी मिर्च और थोड़े से स्वीट कॉर्न डाले हैं। स्वीट कॉर्न बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप यूज करें। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं गोभी मंचूरियन में, मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पास में है एक छोटी चम्मच विनेगर, सोया सॉस विनेगर, रेड चिली सॉस और टोमेटो सॉस। तो अभी मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगी विनेगर सॉस, रेड चिली सॉस और टोमेटो सॉस। सभी सॉस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इन्हें पकाएंगे। लगभग आधा मिनट इसको हम पकाएंगे और उसके बाद में आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डाल करके इसमें पानी डाल के हम इसे बिना गुठलियों का एक स्मूथ सा घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बहुत ही गीला जो मंचूरियन रहता है वो नहीं बना रही हूँ, ग्रेवी वाला, मैं ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ, तो उसके लिए इतना पानी काफ़ी है। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच नमक, क्योंकि बैटर में भी नमक था और सॉस में भी, और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अभी सभी चीजों को मिक्स करके हम थोड़ी देर कर इन्हें पकाएंगे। तो ये पक करके रेडी हो गया है। अभी इस वक्त हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर का घोल। कॉर्नफ्लावर का घोल डालने के बाद में हमें इसे कंटिन्यू चलाना होता है, नहीं तो वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं सॉस हमारा बिल्कुल बनके रेडी है। अभी इस वक्त हम इसमें जो गोभी हमने सेक करके रखी हुई थी बस वो डाल देंगे। वो भी डाल करके हम सॉस में इसको अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। तो हम इन्हें हल्के हाथों से पलट पलट के पूरे ही सॉस में इसको हमें कवर कर लेना है। तो हमारा ड्राई गोभी मंचूरियन बनके तैयार है। अभी इसमें मैं खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। आप इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं, पर इसमें हरा धनिया बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखा आपने कितनी ही आसानी से और झटपट हमने घर पे बना करके गोभी मंचूरियन तैयार कर लिया। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। बच्चे बहुत सारी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से आप उन्हें कुछ स्पेशल बना कर दे सकते हैं, वो बहुत ही पसंद करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।